आपको रॉयल शेफ्स ऑफ त्रिपुरा चैनल में स्वागत है। आज है स्मार्ट कुकिंग सीरीज एपिसोड नंबर 13। आज का रेसिपी है पालमीरा पाम कस्टर्ड पुडिंग बाय ब्यूटी बेगम। सबसे पहले हम लोग 2 लीटर मिल्क लेंगे और उसको कॉन्सेंट्रेट करके 1 लीटर बनाएंगे। जब 1 लीटर हो जाए हम लोग कार्डमम डालेंगे फ्रेग्रेंस के लिए, फिर मिक्स करेंगे। हम लोग अभी 1 कप पालमीरा पाम जूस डालेंगे। अब हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट किया है ये जूस। अभी प्रॉपरली मिक्स करना है। हमारा मिक्स रेडी है, हम लोग उसको अभी ठंडा होने देंगे। अभी 4 अंडा तोड़ेंगे। ग्राम सुगर डालेंगे और उसको ब्लेंड करेंगे प्रॉपरली। जब तक अपना यूनिफॉर्म मिक्स हो जाए आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। अभी जो अंडे एंड शुगर मिक्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क के साथ ऐड करेंगे। अभी प्रॉपरली मिक्स करेंगे। हमारा कस्टर्ड पुडिंग मिक्स रेडी है। अभी एक पैन में 4 टेबलस्पून शुगर लेंगे, उसके साथ 5 से 6 टेबलस्पून वाटर ऐड करेंगे। हम लोग उसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ना कैरामल बन जाए। अभी कैरामलाइज हो गया है। हम लोग एक 750 ml मोल्ड लेंगे और उसका अंदर एक लेयर डालेंगे कैरामल का, देखिए ऐसे। ऊपर से सफरन डालेंगे कैरामल के ऊपर। अभी कस्टर्ड पुडिंग मिक्स डालेंगे। हम लोग 250 ml का और एक मोल्ड लेंगे, उसको भी ऐसे ही फिल करेंगे। अभी एक प्रेशर कुकर 1/5 वाटर फिल करेंगे और उसके अंदर जो मोल्ड है लेयर में रखेंगे और नीचे एक सेपरेटर डालेंगे। ध्यान रखना है नीचे का जो मोल्ड है वो पानी से ऊपर रहना चाहिए। अभी नीचे का मोल्ड का कवर दे देंगे। अभी छोटा वाला जो मोल्ड रखेंगे उसको भी कवर कर देंगे। अभी हम लोग 30 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करेंगे। 30 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे, फिर उसको खोलेंगे। देखिए कस्टर्ड पुडिंग बन गया है, इट्स लुक सो गुड। अभी एक नाइफ से उसको ऐसे ही सरफेस से डीअटैच करेंगे। ऐसे फ्लिप करके एक प्लेट में ले लेंगे।
वैसे ही जो वीक मोल्ड है उसे भी निकाल देंगे। देखिए कितना सुंदर है। हम लोग अभी 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, हम लोग लेयर में सर्व करेंगे। देखिए कितना सुंदर है, ये बहुत ही टेस्टी यामी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच अमेजिंग रेसिपीज।